बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू यूएमटी पॉडकास्ट। मैं हूं बीर चौहान एंड टुडे वी हैव मुनीन अहमद विद अस एंड ही इज़ द फाउंडर ऑफ ई कॉमर्स प्लानर्स। आज हम उनसे बात करेंगे लोकल ई कॉमर्स के बारे में। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? अल्लाह का बड़ा एहसान जी, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक सर। पहले तो मैं जानना चाहती हूँ आपकी जर्नी के बारे में, दैट यू आर द फाउंडर ऑफ ई कॉमर्स प्लानर्स, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। ई कॉमर्स प्लानर्स जो है ये हमने 4 साल पहले मैंने और मेरे पार्टनर ने स्टार्ट की थी। वैसे मैं इस डोमेन में 2006 से हूँ। UMT से ही ग्रेजुएशन करने के बाद जो है आई गेट इनटू दिस डोमेन। ना मैं MBA अपना यहीं से कर रहा था, तो उसी दौरान मैंने जो है ई कॉमर्स की जर्नी स्टार्ट की। आई स्टिल रिमेंबर पहला एक लैपटॉप बेच के वहाँ से ये जर्नी स्टार्ट हुई और उसके बाद कभी मुड़ के वापस नहीं देखा। तो अभी जो मेरी एजेंसी है उसके अंदर हम लोकल और इंटरनेशनल ई कॉमर्स के ऊपर जो है काम कर रहे हैं, जिसमें हम शॉपिफाई स्टोर्स पे भी सर्विसेज दे रहे हैं, उसके अलावा अमेजोन पे, वॉलमार्ट पे, ईबे के ऊपर भी दे रहे हैं, और अलॉन्ग विद दैट डिजिटल मार्केटिंग की कंप्लीट सर्विसेज हम इसमें ऑफर करते हैं। सर, अभी जैसे अभी हम बात करने वाले लोकल ई कॉमर्स के बारे में जी, तो लोकल हम लोगों ने इस चीज़ को नाम क्यों दिया, क्यों लोकल में ऐसा क्या डिफरेंस आ जाता है? देखिए, कोई डिफरेंस नहीं है। लोकल से मुराद ये है कि जो हम पाकिस्तान के रीजन के अंदर जो ई कॉमर्स कर रहे हैं उसको हमने लोकल का नाम दिया, और इंटरनेशनल जिसके अंदर ग्लोबल आ जाता है उसमें आपका UK, US, मिडल ईस्ट का रीजन आ जाता है। सर, अब मुझे ये बताइए कि लोकल में कौन सी ऐसी डोमेन्स फॉल करती हैं जिसमें अगर कोई फ्रेशी एंटर करता है तो वो उसके लिए इजी ग्रिप कर सकता है? अभी टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, अगर मैं ये बोलूँ ना कि हर चीज़ इस रूम में मौजूद हर चीज़ ई कॉमर्स पर बिक सकती है तो ये गलत नहीं होगा। आज आपके घर में दाल सब्जी भी ई कॉमर्स के थ्रू डिलीवर हो रही है, ठीक है, और लोगों का रुझान स्पेशली आफ्टर कोविड बहुत ज़्यादा ई कॉमर्स की तरफ हुआ है। पाकिस्तान में खासतौर पर मैं अगर बात करूँ तो बहुत सारे नए स्टार्टअप शुरू हुए हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं जो अपनी तौहीन समझा करते थे आज से 4-5 साल पहले, ऑनलाइन जाना या अपनी कोई प्रोडक्ट घर डिलीवर करना, एवरीबडी इज़ ऑनलाइन, चाहे वो आपका क्लॉथिंग ब्रांड से लेके, शू ब्रांड से लेके, आपकी एक्सेसरीज से लेके, इलेक्ट्रॉनिक, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑन आर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अगर हम बात करें क्लोथिंग ब्रांड लाइन्स की, तो अगर हम बात करते हैं शूज़ लाइन की, तो अगर एक मैं कह लूँ कर मेरा स्टार्टअप, मैं किसी ब्रांड से कुछ चीज़ उठाती हूँ तो उसकी क्या स्ट्रेटजीज़ मैं बनाऊँ कि मैं उसको टॉप द मार्केट नहीं पर अपने लिए एक सेलिंग लाइन स्टार्ट कर सकूँ? सबसे पहले इसमें ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि प्रोडक्ट सेल कैसे करनी है। इसमें 3-4 डिफरेंट मॉडल हैं। पहला मॉडल आता है प्राइवेट लेबल का। प्राइवेट लेबल का मतलब है कि अगर आपको अपना कोई कपड़े का कारोबार शुरू करना है तो वो आपके अपने टैग लाइन के साथ, आपकी अपनी ब्रांडिंग के साथ जाएगा, दैट्स कॉल्ड प्राइवेट लेबल। दूसरा आ जाता है हमारा होलसेल, ये जिसको वाइट लेबल भी हम कह सकते हैं, वो होता है कि आप किसी भी ब्रांड से कपड़ा लेके या किसी भी ब्रांड से कोई प्रोडक्ट लेके उन्हीं के नाम के साथ आप अपनी ऊपर से पैकेजिंग करके बेच देते हैं, दैट्स कॉल्ड वाइट लेबलिंग, या इसको होलसेल भी कहा जाता है इन अदर वर्ड्स। थर्ड आ जाता है ड्रॉप शिपिंग, ठीक है। मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी लाइक नहीं करता। मैं ये कहता हूँ कि ड्रॉप शिपिंग इज़ जस्ट लाइक अ कैंसर, एंड कैंसर पेशेंट कैन सर्वाइव फॉर फ्यू डेज, फ्यू मंथ्स एंड फ्यू ईयर्स, बट एंड ऑफ द डे उसका कोई फ्यूचर नहीं है। ड्रॉप शिपिंग क्या है कि आपने कहीं से भी चीज़ पकड़ी, बगैर खरीदे, बगैर उसको अपनी कस्टडी में रखे, सिर्फ वहाँ से उठा के, फॉर एग्जांपल मैं इसका लेट्स टेक एन एग्जांपल के आप स्पायर की वेबसाइट पे गए, स्पायर की वेबसाइट पे एक सूट लगाया, उनसे पूछे बगैर आपने उठा के अपनी वेबसाइट पे लगा लिया, या आपने किसी भी मार्केट से उसकी काउंटरफेट प्रोडक्ट जिसको रिप्लिका कहते हैं, रिप्लिका लेके उसकी लगा दी, खरीदी नहीं है आपने अभी तक, ठीक है। तो जैसे ही ऑर्डर आएगा फिर आप वहाँ से परचेज करेंगे या वो रेप्लिका लेके भेज देंगे, तो उसको हम कहते हैं ड्रॉप शिपिंग। तो ये कोई लेजिट नहीं है। पहले दो जो मॉडल हैं वो लेजिट हैं। तो ये खाली बहुत रिस्की है ये काम। जी जी, इट इज एक्चुअली क्लेम कर दें या अगर आपका आगे से प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी आपको कोई मॉडल शुरू करना है सबसे पहले आप अपनी पॉकेट साइज देखेंगे, जितना आपके पास बजट अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंगली आप अपना मार्केट प्लान जो है ना डिसाइड करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली फिर आपका पूरा रोड मैप बनेगा किस तरह से आपको ग्रो करना है, क्या आपको अपनी वेबसाइट से जाना है या आपको एग्जिस्टिंग मार्केट प्लेसेस जो मौजूद हैं उनके ऊपर जाना है। अब मार्केट प्लेस की अगर मैं बात करूं तो फॉर एग्जांपल दराज पाकिस्तान का सबसे बड़ा मार्केट प्लेस है जिसके ऊपर मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, आप वहां से भी अपना स्टार्ट ले सकते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर आप चाहते हैं नहीं जी मुझे अपनी सोलो राइड करनी है, तो उसके लिए आप शॉपिफाई का स्टोर बना के वहाँ से अपनी जो है ना अपनी राइड स्टार्ट कर सकते हैं। सर, अभी आपने एक पॉइंट की बात की कि जितनी हमारी पॉकेट की गुंजाइश होती है हम उस हिसाब से करें। अगर एक बंदे के पास बजट नहीं है लाइक कि वो मार्केट से कोई प्रोडक्ट उठा सके, या क्योंकि हमने जब प्रोडक्ट उठानी तो फिर हम लोग कहते हैं ना कि बहुत बड़ी उठानी होती है, तो अब सर
जब किसी के पास प्रोडक्ट नहीं और वो काम भी अपने सोलो करना चाहता है, फिर वो कैसे इस चीज़ को आगे? इसके लिए देखिए तीन मॉडल मैंने डिस्कस किए। इसमें सेकंड मॉडल जो है, जिसको हम होलसेल का मॉडल कहते हैं या वाइट लेबल का मॉडल कहते हैं, दैट इज़ अ बेस्ट फिट फॉर द पाकिस्तान मार्केट। उसमें होता क्या है कि यहाँ पे हमारे सबके कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन हैं, ताल्लुकात हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आपको कपड़े का काम करना है तो आप आज़म क्लॉथ मार्केट लाहौर में है, इसी तरह सदर कराची में है, हर शहर के अंदर कोई ना कोई होलसेल की मार्केट होती है। जस्ट गो देयर, हैव सम गुड रिलेशन विद द वेंडर्स जो वहाँ पे बैठे हुए हैं, उनके साथ अच्छे रिलेशन बनाओ। पहली दफ़ा ट्रस्ट मी, नोबडी इज गोना लिसन टू यू। दूसरी दफ़ा आप जाएंगे शायद को पानी वानी पूछ ले, तीसरी दफ़ा जाएंगे चाय भी पिलाएगा, चौथी दफ़ा जाएंगे शायद खाना भी ऑफर कर देगा। तो यू हैव टू बिल्ड योर रिलेशन विद दो सप्लायर्स। जब आपके रिलेशन बिल्ड हो जाएंगे उसके बाद फिर कोई मसला नहीं है। क्योंकि ऑलरेडी आई गेस उस मार्केट में, अब जैसे कि अगर मैं उस मार्केट में जाती हूँ और अगर आपकी शॉप है, तो फिर अगर ऑलरेडी आपके पास ऐसे लोग आए होंगे और आपने ऐसे लोगों के साथ काम शुरू किया होगा, तो आई डोंट फाइंड कि उनके लिए बिल्कुल नए इंसान पर ट्रस्ट करना आसान होगा। सीरियसली मैं आपको बताऊं, अभी हमने रिसेंटली लास्ट मंथ एक ब्रांड शुरू किया है, वो हमारा अपना ब्रांड है, क्लॉथिंग का ही है, उसमें फॉर्मल क्लॉथिंग है सारी। लिटरली हमने 100,000 के बजट से वो ब्रांड शुरू किया है, ठीक है। डेढ़ महीने के अंदर हमें थोड़ी सी उसकी एक डायरेक्शन नज़र आ गई, जब अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमने उसके लिए 1,000,000 का बजट एलोकेट किया, क्योंकि हमें पता चल गया कि इसकी हमने थोड़ी सी उसकी एड्स चलाई। जो 100,000 भी हमने स्पेंड किया ना, वो स्टॉक पे नहीं था, क्योंकि जो मेरे पार्टनर हैं उनका ऑलरेडी आज़म क्लॉथ में रिलेशन था, तो उसकी वजह से स्टॉक हमें फ्री में मिल गया कि आप बेच के पैसे दे दीजिएगा। हमने वो 100,000 का जो स्पेंड किया वो एड्स पे लगाया। उस 100,000 ने हमें फौरन प्रूव कर दिया विद इन 1-1.5 months के भाई यस यू हैव द राइट डायरेक्शन, यू हैव द राइट प्रोडक्ट, लेट्स गो फॉर इट। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम अपना स्टॉक भी उनसे जो है प्रोक्योर करेंगे, अपनी एड्स का बजट भी बढ़ाएंगे, अपने प्लेटफॉर्म को भी इंक्रीज करेंगे। तो दिस इज़ हाउ वी कैन ग्रो, ये एक बड़ा ही बेसिक मॉडल। अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल है, क्योंकि आपने बहुत सारे सेमिनार्स किए होंगे, बहुत सारे नॉट जस्ट 200-300 बहुत सारे स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट किया होगा, एक ऐसा पॉइंट जो आप उन स्टूडेंट्स को डिलीवर करना चाहिए, जो आप इतने सारे स्टूडेंट को तो हर कुछ नहीं कर सकते। मैं जानती हूँ कि अगर मैं किसी सेमिनार का पार्ट होंगी तो जो चीज़ मुझे गेन करनी है, और वो स्टूडेंट्स आते हैं हल्ला गुल्ला करते चले जाते हैं, एक आधा सवाल करते हैं, आप उन तक एक ऐसा मैसेज जो कन्वे करना चाहिए कि, क्योंकि मुझे भी कहीं लगता है कि स्टूडेंट्स के अंदर कोई चीज़ ना कहीं कहीं ना कहीं लैक कर जाती है। बिल्कुल, तो एक ऐसी बात जो आपको लगता हो कि जब मैं सेमिनार करता हूँ तो हर एक बच्चे को इंडिविजुअली बात कन्वे करनी हो, वो एक मैसेज ऐसा? देखिए, सबसे पहले तो हमारे जो बच्चे सुन रहे हैं हमें, उनको ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि हर बंदा बिजनेस नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसे। टेक्निकल स्किल्स ले लीजिए, जब आपके पास टेक्निकल स्किल्स आ जाएं तो फिर आप अपने आप को एवेल्युएट कीजिए कि क्या आप बिजनेस पर्सन हैं या जॉब माइंडेड हैं। अगर आप जॉब वाले माइंडसेट रखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अपनी सर्विसेज बेचना शुरू कर दें, क्योंकि अभी आपके पास स्किल आ गया। स्किल आने के बाद अब आप अपनी सर्विसेज बेच सकते हैं, कुछ अर्सा अपनी सर्विसेज बेचिए, नहीं वो भी कर सकते तो आप किसी ऐसे सीनियर के साथ, किसी ऐसी एजेंसी के साथ कॉन्टैक्ट में आ जाइए जहाँ पे आपकी हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिले आपको, जहाँ आपकी ट्रेनिंग हो। जब आप शेडो के अंदर रह के ट्रेनिंग करेंगे तो आप आफ्टर कपल ऑफ मंथ्स यू विल बी इन अ वेरी वेरी कंफर्टेबल पोजीशन, जहाँ पे अब आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या करना है। हमारे बच्चे का प्रॉब्लम क्या है, बच्चा समझता है कि मैंने एक सेमिनार लिया या मैंने एक 2 महीने की ट्रेनिंग ली तो अब मैं अपनी सोलो फ्लाइट के लिए रेडी हूँ। ऐसा नहीं होता, ये इतना आसान बिजनेस अगर होता ना तो पूरा पाकिस्तान 25 करोड़ लोग जो है इस वक्त ई कॉमर्स कर रहे होते। ये एक प्योर बिजनेस है, लेजिट मॉडल है, ये उतना ही डिफिकल्ट है जितना एक फिजिकल बिजनेस है, ये उतना ही आसान है जितना फिजिकल बिजनेस है। तो दोनों को गिव एंड टेक है, आसान भी है, एट द सेम टाइम मुश्किल भी है। बिजनेस एक्यूमेन का होना इसमें बहुत ज़रूरी है। हमारे पास बहुत सारे केसेस आते हैं, बड़े अच्छे अच्छे प्रोफाइल के ऊपर जॉब्स कर रहे हैं, कोई डायरेक्टर है, कोई सीईओ है, कोई मैनेजर है, लेकिन जब वो अपना स्टार्टअप शुरू करने लगते हैं तो वो उन सारी निटिग्रिटीज को उनको नहीं पता होता, तो मोस्टली वो फेल हो जाते हैं। फिर क्या करते हैं, वो एजेंसी पे भी ट्रस्ट नहीं करते उस तरह से, क्योंकि उन्होंने अपनी जॉब के अंदर जो इश्यूज़ देखे होते हैं उनको इधर रिलेट करने की कोशिश करते हैं। सर, मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि जैसे लोग कहते हैं ना कि ई कॉमर्स की फील्ड थोड़ी इजी है, बट आई गेस इन बातों से तो मैंने एक बात एवेल्यूएट की है कि चले मैं कहूँ कि मैं एक जॉब पर्सन तो मैं तो नहीं हार्ड डालूंगी बिजनेस में, क्योंकि मुझे पता है एक सेटअप बनाना, एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब आपने स्टॉक लेके आना है आप उसको कहाँ स्टोर करना है, उसकी पैकिंग डिलीवरी ये सब चीज़ें करते हुए इंसान जो एक अपर पोजीशन का बंदा वो वापस उसको नीचे आना पड़ता है। बिल्कुल ऐसी है। और ये बात आपकी बिल्कुल सही कि डाउनफॉल एक बार देखना पड़ता है ताकि आपको पता चले। सर, एक लास्ट मैसेज जो मैं चाहती हूँ कि आप कन्वे कर सकें टूवर्ड्स ई लोकल ई कॉमर्स जो स्टूडेंट्स के लिए। देखिए, इस वक्त लोगों को लग रहा है कि लोकल ई कॉमर्स सैचुरेट हो गई है, बट अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस ऑफ 16-17 ईयर्स, ट्रस्ट मी अबीर,
इट्स जस्ट अ बिगनिंग, अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुआ हमारा, स्टार्ट में भी समझ लिया अभी हमने पहली सीढ़ी पे कदम रखा है, तो अभी लॉन्ग वे टू गो फॉर अस। अगर हम इंटरनेशनल मार्केट को देखें या हम अपनी सराउंडिंग जो हमसाया ममालिक उनको देखें, तो वो तो इस वक्त दे आर डूइंग वंडर्स। तो अभी हमारा इशू जो है वो ये चल रहा है कि मोबाइल की जगह आपके घर में ईंट आ जाती है, ओरिजिनल प्रोडक्ट की जगह रेप्लिका आ जाती है, आपका जो डिलीवरी कोरियर कंपनीज है उनका डिलीवरी बॉय आपके डोर स्टेप पे आए बगैर पीछे रिपोर्ट दे देता है जी लेने से इनकार कर दिया, जबकि वो वहाँ तक पहुँचता ही नहीं है। तो इसके मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हैं, ये स्टेक होल्डर्स सारे मिच्योर होंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम। अब एक इसके अंदर मिथ ये समझा जाता है मार्केट में जिसके सिर्फ दो स्टेक होल्डर हैं, एक सेलर और एक बायर, जबकि ऐसा नहीं है, इसके बेतहाशा स्टेक होल्डर हैं। इसमें आपकी प्रोक्योरमेंट से लेके, इसका कस्टमर सपोर्ट से लेके, आपका कोरियर कंपनी से लेके, आपकी प्रोडक्ट प्रोडक्शन से लेके बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर आपकी टेक्निकल टीम आ जाती है। तो ये सारे स्टेक होल्डर विद द पैसेज ऑफ टाइम अपनी मेच्योरिटी की राइड की तरफ है। तो अभी जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। कोरोना का डाउनफॉल आया था हर एक कंपनी के ऊपर, हर एक ब्रांड के ऊपर। अब जैसे उनके पास एक मौका आया है, तो आई डोंट थिंक कि ये एक ऐसा मौका है जो कोई भी बंदा हाथ से जाने देगा, जिसके पास एक बहुत बड़ी मार्केट है, उसके पास कह लें कि पैसे हैं कि वो इन्वेस्ट कर सके, वर्कर्स हैं, वेयर हाउसेज हैं जब अपना स्टॉक कर सकें, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे अभी ये जो एक पूरा ओवरऑल पूरी मुस्लिम उम्मा के अंदर इस वक्त जो थोड़ा सा एक टेंशन का माहौल क्रिएट हुआ हुआ है फ़िलिस्तीन के, उसको लेके उसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने बाइकआउट किया हुआ है इम्पोर्टेड प्रोडक्ट का। बिल्कुल ऐसे। तो ये जितने हमारे लोकल ब्रांड हैं इनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बट व्हाट आई हैव सीन इन द मार्केट इज़ कि ये ब्रांड बजाय इसके इस मौके का फ़ायदा उठा के अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी को सुपीरियर करें, बेहतर करें, बेटर प्राइजिंग ऑफर करें, तो वंस अगेन वही हम शॉर्ट टर्म सोचने वाले लोग हैं, तो इन्होंने अपनी प्राइस भी बढ़ा दी ज़्यादातर ब्रांड्स ने और प्रोडक्ट की क्वालिटी गिरा दी। तो खुदा रहा ऐसे मत कीजिए, आप लोगों के पास एक गोल्डन मौका है, पता नहीं ज़िंदगी में दोबारा मिले या ना मिले। इस वक्त पूरा पाकिस्तान इकट्ठा हुआ है, ट्रस्ट मी, हर घर में चाहे वो किसी भी क्लास से है ये सोचा ज़रूर जा रहा है। मेरे खुद अभी लास्ट मंथ की ग्रॉसरी के अंदर देर वॉज नॉट इवन अ सिंगल इम्पोर्टेड आइटम। बहुत सारी ऐसी आइटम है जो घर में लाने के बाद हम पछताए कि यार ये किया गया, बट स्टिल क्योंकि वो इस वक्त प्रोटेस्ट पे हैं, तो हम सपोर्ट करना चाहते हैं लोकल ब्रांड को, लेकिन इनको भी थोड़े होश के नाखून लेने होंगे ताकि इसका फ़ायदा उठा सकें। ये एक मौका है इनके पास अपने आप को एक इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाने के। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आई गेस अभी जितनी हमारे पास लोकल फूड चेन्स हैं, जी बिल्कुल, अब हम बात करें वो जो दो मेजर फूड चेन्स हमारे पाकिस्तान में जो इंटरनेशनल है, हमने उन जब हमने उनका बायकॉट किया तो हम सब ने देखा कि उनके रेट्स जो कभी 2,000-3,000 के थे, अब वो हज़ार में आ गई डील्स, और वो सब चीज़ें जो बहुत महंगी चीज़ें थी वो उन्होंने सस्ती कर दी ताकि लोग अफोर्ड करें वापस आ सकें। अब देखें एक कितना ये शर्मिंदगी का मुकाम है, एक ब्रांड का नाम मैं लिए बगैर, एक फूड चेन है इंटरनेशनल, उनकी कुछ प्रोडक्ट एक्सपायर हो रही थी, ठीक है, एंड स्ट्रेट अवे दे हैव ऑफर्ड 50% डिस्काउंट एंड विद इन नो टाइम दे आर स्टॉक आउट। ये हालात है हमारे कि हमने उन्होंने एक पत्ता फेंका 50% डिस्काउंट का और हम भाग के चले गए। पाकिस्तान के ब्रांड्स करें क्यों नहीं, मौके का फायदा उठाएं। अब ये देखें ना कि यहाँ पे जॉब्स अवेलेबल नहीं है, तो आप अगर वैकेंसीज ओपन करते हैं, लोकल ब्रांड्स की बात कर रही हूँ, अब वैकेंसीज ओपन करते हैं तो उन लोगों का भी रोजगार लग जाएगा, आपकी प्रोडक्शन तेज हो जाएगी, और लोग जो अफोर्ड नहीं कर पाते जिसकी प्राइस आपने इतनी महंगी रखी वो आप ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। अब एक जो सबसे बड़ी रीजन है ना लोकल वर्सेज इंटरनेशनल की, ट्रस्ट मी देयर इज अ वेरी थिन लेयर बिटवीन इंटरनेशनल प्राइसिंग एंड लोकल प्राइसिंग। आप इंपोर्टेड प्रोडक्ट कोई ले लें और लोकल ले लें, हालांकि डिफरेंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए लेकिन डिफरेंस बहुत कम है, तो उसकी वजह से फिर लोग लोकल लाइक नहीं करते। तो ब्रांड्स को भी थोड़ा सा इस स्ट्रैटेजी के बारे में सोचना चाहिए, ब्रांडिंग की तरफ अपना फोकस करें, प्रोडक्ट की क्वालिटी की तरफ फोकस करें, प्राइसिंग की तरफ फोकस करें और लोकल ऑडियंस को इंगेज करें। आई गेस मुझे लगता है कि जितने ब्रांड होल्डर्स हैं ना उनको ई कॉमर्स वालों के साथ एक मीटिंग कर लेनी चाहिए ताकि उनको आइडिया हो कि उनको ना थोड़ी सी अपनी मार्केट वैल्यू कैसे एक्चुअल में बनानी है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग, एंड आई होप कि आप लोगों ने आज इस लोकल ई कॉमर्स से ये ज़रूर सीखा होगा कि अगर आप जैसे हम देखते हैं कि आजकल बहुत सारी चीज़ों का बायकॉट हो रहा है, कुछ चीज़ें चल रही हैं, तो कोशिश करें कि जिन्होंने आज हम कहते हैं ना कि इंटरनेशनली काम शुरू किया और फिर हम ये देखते हैं कि वो अपना हम देखते हैं कि हम पाकिस्तान में बैठ के किसी और कंपनी के साथ काम करते हैं जो कैनेडा में है, अमेरिका में, कहीं भी है, उन्होंने भी लोकली शुरू किया था, आप भी अपने लोकल ब्रांड्स को प्रमोट करें ताकि आप अपने आप को और अपने मुल्क को आगे लेके जा सकें। मुझे तो इजाज़त, देखते रहें ग्यूमटी टीवी, अल्लाह हाफिज़।